येस स्टूडेंट्स वेलकम बैक एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर टू प्लांट्स पार्ट डी ओके नाओ वन बाय वन लेट्स रिवाइज क्वेश्चन आंसर ऑफ पार्ट डी क्वेश्चन नंबर वन नेम द पिगमेंट प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट प्लांट के ग्रीन लीव्स में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है

एज दे ग्रो इन पोअर सोयल कुछ प्लांट पोअर सोइल में ग्रो करते हैं पोअर सोयल मीन्स जिस सॉइल में किसी न किसी मिनरल की कमी होती है ओके तो उनको एक्स्ट्रा फूड की नीड होती है और उस पोअर सॉइल में और किस चीज़ की कमी होती है लैक्स ऑफ नाइट्रोजन लैक्स मींस कमी होना नाइट्रोजन की कमी होना तो उनको एक्स्ट्रा फूड की नीड होती है और उस एक्स्ट्रा फूड के लिए वो इंसेक्ट को खा जाते हैं दे फीड ऑन इंसेक्ट टू फुलफिल देयर नरिशमेंट अपना अपनी नरिशमेंट को फुलफिल करने के लिए वो इंसेक्ट को खा जाते हैं ओके नरिशमेंट मीन्स पोशन ओके जितना उनको चाहिए होता है अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए ओके okay? तो पोर्स वोल में किसी ना किसी चीज की कमी रह जाती है डैट्स वाई वो इंसेक्ट को खा जाते हैं सो दैट उनकी कमी पूरी हो जाए क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री नेम द टू प्लांट्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स सॉरी नेम द टू मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के कोई टू मेथड्स बताइए रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मींस प्लांट नया प्लांट कैसे ग्रो होता है किस किस तरीके से ग्रो होता है आंसर इज रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स फर्स्ट रिप्रोडक्शन सीड्स के थ्रू होती है जब हम खेत में या किसी ऐसी जगह पर बीज डाल डालते हैं बीज सीड सीड डाल देते हैं जिससे न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है एंड सेकेंड इज़ रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और सेकेंड रिप्रोडक्शन होती है प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से लाइक अंडरग्राउंड स्टेम स्टेम कटिंग रूट एंड लीफ जैसे स्टेम स्टेम को अंदर दबा देते हैं सोयल के अंदर या फिर स्टेम को कट करके डाल देते हैं और कई बार रिप्रोडक्शन रूट से भी हो जाती है और कई बार रिप्रोडक्शन लीव से भी हो जाती है लीफ से कहाँ पर होती है इन ब्रायोफिलम सो रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट लाइक अंडरग्राउंड स्टेम स्टेम कटिंग रूट एंड लीफ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर सीड द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन ऑफ आ सीड सीड के प्रॉपर जर्मिनेशन के लिए कौन सी कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है आंसर अप्रोप्रिएट एयर वाटर सॉइल एंड प्रॉपर टेम्परेचर उचित मात्रा में हवा पानी भूमि और प्रॉपर टेम्परेचर और टेम्परेचर भी प्रॉपर होना चाहिए ना ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा सर्दी ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नेम टू प्लांट्स डेट रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम कटिंग कोई टू प्लांट्स के नेम बताइए जो स्टेम कटिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं मीन्स उन प्लांट्स के नेम बताने हैं जिनमें हम तने को काट कर सोइल में लगाते हैं और जिससे नया प्लांट ग्रो कर जाता है एंड द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर रोज शुगर केन एंड ग्रेप्स रोज़ गुलाब शुगर केन गन्ना ग्रेप्स अंगूर इन थ्री प्लांट्स में हम स्टेम कटिंग से नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स डेट्स कंप्लीट पार्ट डी ऑफ चैप्टर नंबर टू ओके स्टूडेंट्स थैंक यू